हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेसन रवि, सत्य और सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम नेटफ्लिक्स की ट्रायल बाय फायर वेब सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं। ये सीरीज ट्रायल बाय फायर द ट्रेजिक टेल ऑफ उपहार फायर ट्रेजेडी बुक पर बेस्ड है, जिसको लिखा है नीलम कृष्णमूर्ति और शेखर कृष्णमूर्ति ने। सीरीज के दोनों लीड कैरेक्टर्स इन्हीं दोनों पे आधारित हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, 1997 में हुई उपहार सिनेमा फायर ट्रेजेडी इंडियन हिस्ट्री की वर्स्ट फायर ट्रेजेडीज में से एक है और इस हादसे में 59 लोग यानी 59 लोग सिनेमा हॉल के अंदर फंस के अपनी जान गवा बैठे थे। इसके साथ 103 लोग सीरियसली इंजर्ड भी हुए थे। ये सीरीज फॉलो करता है अभय देओल और राजश्री देशपांडे एज शेखर एंड नीलम कृष्णमूर्ति को और उनके साथ और भी ऐसी फैमिलीज को जिन्होंने किसी न किसी अपने को इस ट्रेजेडी में खोया है। हम देखते हैं कि कैसे ये सब कैरेक्टर्स सालों तक इस ग्रीफ यानी दुख को झेलते हैं और रेजिलियंटली लड़ते हैं सिस्टम के खिलाफ इंसाफ पाने के लिए, और ये देखना बहुत पेनफुल है। स्पेशली गरीब यशवंत वासनिक यानी कि किशन पाल की स्टोरी लाइन, जिसकी पूरी फैमिली बॉर्डर फिल्म देखते हुए इस सिनेमा हॉल में आग के शिकार होते हैं और किशन पाल के पास अपने परिवार के लास्ट राइट्स परफॉर्म करने के पैसे भी नहीं होते। सीरीज को क्रिएट और डायरेक्ट किया है ब्रिलियंटली प्रशांत नायर ने और कुछ एपिसोड्स रणदीप झा ने। प्रशांत नायर ने ऐसी सीरीज बनाई है जिसको हम इजीली वन ऑफ द बेस्ट इंडियन शोज की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जिस तरीके से हर कैरेक्टर्स को उन्होंने प्रेजेंट किया है, कैसे हर कैरेक्टर अपने खुद के तरीके से ग्रीफ को हैंडल करते हैं ये दिखाया गया है, और कैसे वो ये ट्रेजेडी सर्वाइव करते हैं ये बहुत कमेंडेबली दिखाया गया है। ये सीरीज को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ जैन हाउस ऑफ टॉकीज प्रोडक्शन के और एंडमोल शाइन इंडिया के अभिषेक रेगे और ऋषि नेगी ने। शो की हाईलाइट है राजश्री देशपांडे, उन्होंने अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है एज नीलम कृष्णमूर्ति, और इसमें अभय देओल ने भी उनके हस्बैंड का रोल बहुत संजीदगी से अदा किया है। उनके अलावा आशीष विद्यार्थी, अनुपम खेर, यशवंत वासनिक और जसपाल राणा सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। सारे कैरेक्टर्स हम पर अपनी गहरी छाप छोड़ने में सफल होते हैं। शो थोड़ा डार्क है, दुख भरा है, पर इंटरेस्टिंग है और रिवेटिंग है, ऐसा कम होता है। टनल के एंड में लाइट जरूर होगी, ये विश्वास दिलाने में सीरीज सफल होती है। अगर आपने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए। वी रिकमेंड इट एज अ मस्ट वॉच। सो वेल फ्रेंड्स, ये था नेटफ्लिक्स की ट्रायल बाय फायर सीरीज का रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाया तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इनकरेज कीजिए। रिव्यू को अभय देओल के फैंस और अच्छा सिनेमा पसंद करने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।